अच्छा मैं आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज के 3.1 के एमसीक्यूज आपको। तो पहले आप एक दफ़ा देख लें अच्छे तरीके से। तो पहले एमसीक्यू उसका आंसर है 5। और दूसरे एमसीक्यू उसका आंसर है बॉयज टू गर्ल्स। तीसरा एक इक्वेशन है, इक्वेशन आपको नहीं करनी, आपको आगे आ जाना है। आगे हम देखते हैं क्या है। कंप्लीट द वॉल्यूम का आंसर है 9PQ/21M = 18P। ओवर एम देन 5Q = फॉलोइंग इक्वेशन हमारे गिवन नहीं है अभी। 11th का आंसर हमारे पास होगा 3x-2 होगा रेशो 4 या फिर 2x+3 = 7। सो मैं ज़्यादा इसको देखना नहीं है, भाव नहीं देना इसको भाव। हमारे पास आगे वेरिएशंस आ जाते हैं। द वर्ड वेरिएशंस इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी क्वालिटी कॉजेस इंक्रीज इन अदर क्वालिटी quantity, then this variation is called direct variation. So direct variation हो गया है, इसके भी example भी हो गई है। हमें चाहिए, अब हम बंद कर देते हैं वीडियो को। ओके, अल्लाह हाफिज़।